नमस्ते। सो आज पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी की इतनी ढेर सारी बर्थडे विशेस के लिए। सबको मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पाया बट दिल से सभी का शुक्रिया। मैक्स आ चुका है, बोल हैप्पी बर्थडे मैक्स। बोल मेरे को हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बोल भाई। वेलकम बैक मैक्स। ये स्टिक खाता है ये। चलो अपने बर्थडे से दे दिया मैंने सुबह 4 इसको, बट फिर भी ये बहुत पसंद है मैक्स को। ये कौन खाएगा जी, ये कौन खाएगा, ये मैक्स खाएगा। अच्छा ये देखो ऐसे पैर में फंसा के खाना शुरू कर देगा अपना। शाबाश। सो ये है हमारा पेट मैक्स जो कि मैक्सिमम एंजॉय करता है इसको। सो मैक्स जो है तो पहले मामा के यहाँ था बट अब आ चुका है यहाँ पे, और कंचन अभी शिफ्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफिस उसको जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से काफ़ी दूर था। सो अभी फ़िलहाल मैं, मम्मी और मैक्स ही हैं घर पे। मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, बिकॉज बर्थडे है मेरा। एंड काफ़ी लोगों को तो वैसे पता है कि आई लॉस्ट माई ब्रदर, तो बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह तो मैं नहीं कर रहा हूँ अपना, केक काटना वो सब, क्योंकि एक साल तक वो सब चीज़ें मैं नहीं कर सकता। तो लेकिन जन्मदिन है तो अच्छा तो मुझे करना ही था। इस बार कुछ बहुत ही डिफरेंट मैंने करने का प्लान किया है। सो यूजुअली आपने देखा होगा मैं बहुत ही डिजेबल्ड और बहुत ही मतलब पुअर झुग्गी और मतलब उस टाइप के लोगों की हेल्प करते हुए, लेकिन यू नो प्रॉब्लम तो किसी के साथ भी आ सकती है। तो आज जिनके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ हेल्प करने के लिए, मतलब कैन यू इमेजिन, बॉलीवुड की एक्ट्रेस, मतलब सलमान खान के साथ मूवी कर चुकी हैं वो, और मतलब और भी कई सारी मूवीज़ वो कर चुकी हैं। उनका नाम है पूजा डडवाल। वीरगति पिक्चर थी सलमान खान के साथ, वीरगति आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने शायद देखी भी होगी। और मतलब उस मूवी की हीरोइन जो कि बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं, जिनके कोई आई थिंक फोर फादर्स नहीं हैं, और आज वो इस सिचुएशन में हैं कि लिटरली मतलब उन्होंने मुझे कहा कि मेरी अब हेल्प नहीं हुई इस वक्त, तो मरने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले उनको टीवी हुई थी, फिर उनका ट्रीटमेंट कराया गया थ्रू बींग ह्यूमन, लेकिन अब इस सिचुएशन में वो हैं कि काम नहीं है और कहीं बाहर जा भी नहीं पा रही है, जो पैसे नहीं होंगे तो फिर क्या करेगा इंसान। एंड मेरी उनसे बात हुई, मुंबई में रहती हैं और मुंबई तो बहुत दूर है, तो मैं तो पर्सनली जा नहीं पाया, लेकिन किसी को मैंने बोल के देखा और मिले वो। सो इट वॉज़ अ जेन्युइन केस, मलाड में रहती हैं वो, एंड उन्होंने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट्स, मिनी स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट, एवरीथिंग मतलब उन्होंने मुझसे शेयर किया, और मैंने वीडियो कॉल पर बात भी की उसके बाद उनसे। ये उसकी क्लिप है। सो पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो वीडियो क्लिप जहाँ पर इस टाइम उनको एक कमरा दिया गया रहने के लिए, बट उसके लिए भी निकालने के लिए फ़ोन आ गए। आज किस सिचुएशन में आ गई हैं, कहाँ एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी आज सोचिए रहने के लिए भी जगह नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो किस सिचुएशन में वो हैं, उसके बाद मेरी उनसे वीडियो कॉल पर बात हुई, वो दिखाऊंगा। हाय संदीप, दिस इज पूजा हियर, कम आई शो यू व्हाट आई एम स्टेइंग। सनशाइन एस्टेट, धारावाली विलेज, मड आइलैंड। ये एक छोटा सा रूम है संदीप जी, जो मुझे दिया गया है इस वक्त। यहाँ पर जो है मैं सोती हूँ। इट्स माय ओनली रिक्वेस्ट संदीप जी, हेल्प मी। इट्स नॉट अ बाथरूम, बाथरूम बनने वाले की मतलब कि इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी डन, तो बाहर जाना पड़ता है बाथरूम करने के लिए। So, this is what my level has become today. Just expecting
a little help initially, shift from here, because like I told you, I don't want to, you know, interfere in anybody's family problems. So unki wife ka bhi call aa gaya tha Yogi ji ke liye, and she said ki aur kitne din ye rukne wale hain. That's my only request. That's all I'm asking from you. Thank you so much for watching me. Very thank you. प्रदीप सर, आई वॉन्ट लाइक दिस. मैं बहुत दूर ना, बहुत ही मतलब की कोई फोन करता हूँ, उसकी बहुत प्रॉब्लम. सो आप बस टोटल, इन टोटल 1 लाख रुपीस की आपको हेल्प चाहिए, जिससे कि आप शिफ्ट हो सकते हैं एंड एक नया लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं. एंड आई विल प्रूव इट. मैंने, आई डिड नॉट गेट इन टच विद यू बिकॉज़ आई सॉ यू एज अ यूट्यूबर. आई गॉट इन टच विद यू बिकॉज़ आई सॉ अ जेन्युइन यू. मैंने आपको दोस्त की तरह से, मैंने आई सेड नहीं यार, दिस पर्सन was everywhere and does everything to help people. I want to do it in future. I also want to do it in future. मैं सच बोल रही हूँ, बनने से पहले मैं करना चाहती हूँ. कि आपके अंदर हिम्मत नहीं, आपके अंदर सच्चाई है. अगर जैसे हम लोग कुछ हेल्प करते हैं तो मैं YouTube पे डाल सकता हूँ ना, बिकॉज जो डोनर्स हैं मुझे उनको भी प्रूफ देना होता है कि हाँ मतलब मेरी तरफ से गया है डोनेशन. यस, ये मैं कर सकता हूँ ना. मैंने, I have always stood for everybody in my life, to be very honest. जैसे कि आपने वो मेरा वीडियो भी देखा होगा, वो नहाए थे बकरों का उसमें. Nobody stood by me, लेकिन फिर भी, like I said, अगर एक बार मैं हाथ पकड़ती हूँ ना, तो छोड़ती नहीं. चाहे वो हस्बैंड हो, बेटी हो, चाहे वो फ्रेंड क्यों ना. अगर मैं आपको पहले टेस्ट के लिए 1 रुपए भेजूंगा, तो 1 रुपीज, उसमें वो एटीएम से वो मिनी स्टेटमेंट निकल जाएगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि 1 रुपए रिसीव हो गया है. हाँ, एटीएम आसपास ही है. आप जा सकते हो ना, मतलब इतनी रात को? अभी नहीं, कल बोल रहा हूँ मैं. मैं एक बार टेस्ट कर लूँगा अकाउंट सही है जा रहा है पैसा, उसके बाद यूट्यूब पे डालता हूँ. नहीं, मैं आपका बैंक डिटेल डाल दूंगा उसमें, तो जिसको जो भी डोनेट करना कर देगा. नहीं नहीं, कोई बात नहीं. आज हम 8 जुलाई को बात कर रहे हैं जी. कल मेरा बर्थडे है 9 जुलाई को, 1 घंटे बाद. What are you saying? जी. Oh, happy birthday to you. तो देखते हैं कल जो मेरे से होगा मैं करता हूँ, फिर मैं आपका यूट्यूब पे. आपको ना मुझे नहीं पता बाकी लोगों की, लेकिन कम से कम मेरी उम्र तो लग जाए. आपको बहुत लाइफ अभी बाकी है, और आपको अच्छी लाइफ जीनी है. बहुत अच्छी लाइफ आपने पहले जी है, उससे अच्छी लाइफ जीनी है. और बस कहां एक मूवी की लैविश लाइफ, और आज एक छोटा सा कमरा किसी ने दिया हुआ है रहने के लिए, और वो भी वहां पे बस लिटरली निकाल रहे हैं उनको. तो इस सिचुएशन में वो है ना, रहने के लिए घर है ना, खाने के लिए कुछ है. ज़िंदगी कहते हैं ना, वक्त कैसे पलट जाता है. तो इसीलिए किसी को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो वक्त है. आज किसी का है तो कल किसी और का है. तो जब तक आप खुश जिंदा हो, खुश रहो, एक दूसरे की मदद करो, कब आपको मदद की नौबत आ जाए किसको पता. तो वैसे ही अभी हम लोग ब्लेस्ड हैं कि इस लायक हैं कि थोड़ा बहुत किसी के लिए कर सकते हैं, तो क्यों नहीं. तो आज बर्थडे में मैं केक वगैरह तो नहीं काट रहा, लेकिन सोच रहा हूँ उनके लिए प्लान कर रहा हूँ कुछ हेल्प. मैंने कल उनको 1 रुपये उनके बैंक अकाउंट डिटेल में डाला था, और बोला था कि एक बार मिनी स्टेटमेंट में चेक कर लेना कि आए हैं या नहीं. तो उन्होंने मुझे भेजा है और रिसीव हुआ है उनको. ये उन्होंने भेजा था मुझे, ये 1 रुपये क्रेडिट हुआ था 8 तारीख को UPI से उनके अकाउंट में. ये देखो, वो आज सुबह मॉर्निंग में गए थे चेक करने. आज मैं उनको छोटा सा एक टोकन अमाउंट भेजूंगा, और किसी की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी हमारी वजह से. बिकॉज उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं मतलब हेल्प नहीं हुई तो मैं मरने की सिचुएशन में, और एक मिडिल क्लास आदमी, एक ऐसा इंसान वो कहाँ जाएगा. चलो वो कहते हैं ना, वो डिसेबल्ड हैं, ये हैं, वो हैं, वो तो चलो एक बार के लिए मांग भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मांगने में कहाँ वो जाएंगे, आप समझ सकते हो.
चलिए प्लान करते हैं उनके लिए। जो भी अमाउंट में उनको पैसे भेजने के लिए प्लान कर रहा हूँ उसमें मैं उनको बोलूंगा कि आपके पहुँचे हैं या नहीं। हाँ, मेरी तरफ से भी थोड़ा सा उनके लिए मैं भी देना चाहती हूँ, मेरी तरफ से भी 5,000 रुपये उनके लिए भेज देना। 5,000 रुपये आपकी तरफ से? हाँ, मेरी तरफ से भेज देना। भगवान उनको ठीक करे उस बाबू को बस। और एक माँ तो और कुछ नहीं कर सकती, दुआएं दे सकती है। भैया हम कोई बॉलीवुड के सेलिब्रिटी तो है नहीं, तो जो थोड़ा बहुत हमसे हो सकेगा वही करेंगे। 5,000 रुपये मम्मी की तरफ से, और मैं देखता हूँ मैं कितना बजट बना सकता हूँ, बिकॉज मेरे को काफ़ी चीज़ें और भी करनी होती हैं। जो हम लोग पूरे महीने ट्रैवल करते हैं, गाड़ी का एक्सपेंस, पेट्रोल वगैरह, इधर से उधर भाग दौड़ करने का, नेताजी मास्टर जी की फैमिली का टेक केयर करना, तो काफ़ी कुछ मैं करता हूँ। तो मैं देखता हूँ, मैं अपना बजट बनाता हूँ कितना मैं कर सकता हूँ, एंड फिर कुछ डोनर्स भी हैं उनकी तरफ से भी दूंगा। सो बने रहे, 10 मिनट में, अभी 5 मिनट में भेज रहा हूँ बाकी जो थोड़ा बहुत हो सकता है हमसे, ठीक है जी? थैंक यू सो मच। तो आप मुझे आधे घंटे में दोबारा से एक बार या आधे एक घंटे में भेज पाओगे मिनी स्टेटमेंट दोबारा? यस ऑफ कोर्स आई कैन। सो ये 8 जुलाई को मैंने ट्रांसफर किया था इनको, इनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स में ये देखोगे अगर आप, 1 रुपये भेजे थे। इनका शादी से पहले नाम था पूजा सागर कबूल, बट शादी के बाद पूजा डडवाल हो गया था। एंड नाउ क्योंकि 1 रुपये मैंने भेजा था, गूगल पे की लिमिट होती है, इसलिए मैं 99,999 भेज पा रहा हूँ। एंड डन। सो देयर यू गो, ये मैंने 9 जुलाई सुबह 8:46 AM को भेजा है, अर्ली मॉर्निंग अपने बर्थडे के दिन। और मैं डोनर्स के नेम बताता हूँ आपको। सो दिस इज व्हाट आई सेड, मैंने ये बोला, हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग, सो मैंने आपको फंड्स भेज दिया है थोड़ा बहुत जो हमसे हुआ, आप एक बार मिनी स्टेटमेंट निकाल के चेक करके मुझे बता देना, थैंक यू। उनका रिप्लाई, सिली क्वेश्चन लेकिन क्या करूँ सीरियसली, मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि आई एम एक्चुअली गेटिंग हेल्प। टोटल बेसिकली उनको 1,00,000 रुपए की जरूरत थी, कि अभी जहाँ पर वो रह रहे किसने ऐसी रहने के लिए दिया है, बट फैमिली आपको पता ही होता ना, कोई किसी को ऐसे कब तक रहने के लिए देगा। अब इसमें ये है कि वो अपना एक शिफ्ट कर सकती हैं कमरा अपना, उसका रेंट पे कर सकती हैं कुछ महीनों का, और ओबियसली राशन वाशन भी इसमें आ ही जाएगा। 1,00,000 रुपए में एक स्टार्ट मिल जाएगा 3 महीने का उनको, कम से कम कि 3 महीने का वक्त मिल जाएगा। बाकी उनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी है, तो किसी को कुछ भी हेल्प करनी हो डायरेक्टली उनको कर सकते हैं। और कोई मलाड में रहता हो और मतलब पर्सनली कुछ हेल्प करना चाहता हो उनके, तो वो अलग चीज़ है, वो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर सकता हूँ। सो ये है, अब जब वो स्टेटमेंट जाएंगे मिनी स्टेटमेंट चेक करने, तब उनको सरप्राइज़ मिलेगा कि टोटल 1,00,000 रुपये उनको भेजे गए हैं, तो मज़ा आएगा। बर्थडे के दिन इससे प्यारा गिफ्ट और क्या हो सकता है, किसी के चेहरे में खुशी आए, और बस इसी के लिए तो हम जी रहे हैं। तो ये हमारे डोनर्स की लिस्ट है जो 1,00,000 रुपीज़ की हमने हेल्प की है, जिसमें से आप देखोगे 30,000 रुपीज़ मेरी तरफ से है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा बर्थडे है, एंड मम्मी ने इसे कमिट किया कि 5,000 उनकी तरफ से है। 5,000 रुपीज़ इज़ फ्रॉम हिमाचली बाबा, एक अनोनिमस डोनेशन है। 2,500 रुपीज़ इज़ फ्रॉम अनिका एंड ऐश्वर्या सक्सेना जी। 10,000 रुपीज़ इज़ फ्रॉम जानवी पटेल। 17,000 रुपीज़ इज़ फ्रॉम केजोम एंड किड्स, आमा बॉमडॉन एंड टेंटॉप। 13,400 रुपीज़ इज़ फ्रॉम नैन लांचन, संध्या, नलीन, माइलो एंड लविंग बर्ड्स। 17,200 रुपीज़ इज़ फ्रॉम टेंजिंग लोसल एंड टेंजिंग डॉलकर एंड हॉर्गे, स्विट्जरलैंड में जो रहते हैं। अब एक बार वो जाएं एटीएम, मिनी स्टेटमेंट भेजें, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, एंड फिर उसके बाद बर्थडे वीडियो अपलोड कर दूंगा आज ही। सो ये एंट्री है पासबुक की उनकी, 99,999 ऊपर आप देख सकते हो रिसीव हो गया, 1 रुपये कल हो गया था, इन टोटल 1,00,000 रुपीज़ हमारी साइड से उनके बैंक अकाउंट में रिसीव हो चुके हैं। एंड जैसे ही वो एटीएम में उन्होंने चेक किया, उनके बाद एक वॉइस मैसेज आया उसका, वो सुनिए। दिस इज, आई एम इन टीयर्स, दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ माय लाइफ, आई मस्ट टेल यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू भी बहुत बहुत छोटा वर्ड है, आई रियली वांट टू टच योर फीट, आई मस्ट से थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस योर डे, सही में आपको सही में मेरी उम्र लग जाए, थैंक यू, थैंक जी। हाँ, मैं ऐसे मकाम पर आ गई थी कि ना घर है ना किसी की हेल्प मिल रही थी। यस, एक दौर था मेरा, अब जो है वो दौर भी आ सकता था, लेकिन मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि जिस औरत के सर पर छत ही नहीं है
बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे, एंड एक ऐसा समय आया कि मैंने सच में यही सोचा था कि बेटर होगा कि आई शुड एंड अप माई लाइफ, जो कि कायरता है, लेकिन क्या करूँ व्हेन देयर वाज नो हेल्प, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं काम कर सकती हूँ आगे, एंड आई एम टैलेंटेड. लेकिन कहते हैं ना कि जब आपको खुद का एड्रेस ही नहीं पता है तो आप करोगे क्या काम लेकर, जब आपको पता ही नहीं है कि काम करने के बाद आपको जाना कहाँ है. सो आई रियली थैंक, रियली अ वेरी बिग बिग थैंक यू टू संदीप भट्ट जी, जिन्होंने मेरी तकलीफ को समझा. एंड इनफैक्ट मैं उनके वीडियोस फॉलो कर रही थी, तो मुझे तो पहले ऐसा ही लगा कि शायद उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि यू नो मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ, बिकॉज बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसे केसेस है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में डेफिनेटली, जो फायदा उठाते हैं ऐसे लोगों का. बट नहीं, उन्होंने मेरे दर्द को समझा. ही स्पोक टू मी, ही सॉ एग्जैक्टली वेयर आई एम स्टेइंग, किस कंडीशन में. एंड आज तो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइजिंग डे था, क्योंकि हमारी बात जो है संदीप जी और मेरी, हालांकि सिर्फ 2-3 दिन से ही हो रही है, बट कहते हैं ना एक सच्चाई जो इंसान की होती है वो एक सच्चे इंसान को ही पहचान पाता है. जो उन्होंने किया आज मेरे साथ, उन्होंने बस मुझे कॉल करके कहा कि पूजा जी आप जाइए अपने बैंक में एंड मिनी स्टेटमेंट पहले निकाल लीजिए, मैंने कुछ पैसे भेजे हैं. मैंने बोला ओके. अब जहाँ मैं रह रही हूँ ये तो मतलब कम्प्लीटली गाँव एरिया है, इट इज़ कम्प्लीटली सिटी लाइफ से कट ऑफ है. तो एनीवेज मैं गई वहाँ तक, 3-4 ATM बंद थे, फिर किसी ATM में पैसे नहीं थे, तो नो वेज मैं पहुंची ATM. आई मस्ट टेल यू, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको रोऊं. जब मैंने मिनी स्टेटमेंट निकलवाया, इट शोड एग्जैक्टली 1 lakh rupees, 1 lakh 220 rupees, एंड आई वॉज लाइक नहीं, आई वॉज लिटरली लाइक इन इज दिस पॉसिबल विथ मी. आई मीन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि यस, आज भी लोग हैं जो रियली एक इंसान को पुश करते हैं इन लाइफ, एंड मैं इसी पुश में जीना चाहती हूँ, एंड इसी पुश को मैं सही साबित भी करूंगी. सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बर्थडे पे कुछ अच्छा करने का मुझे मौका मिला, एंड मैंने उनकी हेल्प इसलिए नहीं की बिकॉज वो बॉलीवुड की कोई सेलिब्रिटी हैं, इसलिए की बिकॉज वो इंसान हैं और इंसान को ही इंसान का दुख समझना चाहिए, और जिसने ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतने दुख देखे हैं वही समझ सकता है. तो अच्छे काम करते रहने चाहिए. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू जो इतना प्यार दिया मुझे, मेरे को इतनी सारी विशेज दी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, खुश रहिए वाइल यू कैन. थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय.